अगर आप भी YouTube के ऊपर एक क्रिएटर हैं और वीडियोस पब्लिक करते हैं, ये मैटर नहीं करता कि आपके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर है या कम सब्सक्राइबर है, बिकॉज जो YouTube के जो रूल्स हैं, जो YouTube के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सबके लिए इक्वल है और बिल्कुल सेम है। चाहे किसी का 1 मिलियन हो, चाहे 10 मिलियन हो, किसी के 100 सब्सक्राइबर हो या 1 सब्सक्राइबर हो। सो गाइस, यहाँ पे फाइनली यूट्यूब ने बहुत अच्छा अपडेट किया कल की डेट में, और जो अपडेट है वो है आपकी कम्युनिटी गाइडलाइंस को लेकर। जी गाइस, बहुत सारे चैनल्स के ऊपर देखने को मिलता है उनका वहाँ पे वार्निंग शो करता है, जिसका अभी सॉल्यूशन है ही नहीं, यानी अभी तक नहीं था वहाँ पे। वो वार्निंग आपका हमेशा दिखता है, अगर मान लीजिए उसके दौरान अगर कोई आपको नई अगर कोई अगर कम्युनिटी गाइडलाइन अगर आपके पास स्ट्राइक लगी, तो आपका 1, 2, 3 ऐसे जितनी भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक आती हैं, और 3 आते ही सब आपका चैनल ख़त्म, परमानेंटली आपका चैनल डिलीट, यानी यूट्यूब की तरफ से सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। तो अब बात यहाँ पर यह कि जो YouTube ने अपडेट किया है वो बहुत अच्छा अपडेट किया है, कि अब आपका जो वार्निंग वाला जो स्टेटस है जो ऑलवेज शो करता है आपके चैनल के डैशबोर्ड पे, वो आप रिमूव कर सकते हैं आप। जी हाँ गाइस, ये गुड न्यूज़ है उन सबके लिए जिनको कई बार डाउट होता है कि भाई पता नहीं स्ट्राइक की वजह से, ये वार्निंग की वजह से मुझे प्ले बटन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा होगा या नहीं होगा। वो वार्निंग शो करता ही करता है, मैक्सिमम क्रिएटर्स के पास ही वार्निंग शो करता ही करता है। अच्छा, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई ये शो क्यों करता है, ये वार्निंग क्यों आती है। भैया देखो, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, अब इसमें क्या मल्टीपल चीज़ें हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं। जैसे आप मान लो कि कोई ऐसा पेड कंटेंट या पेड सॉफ्टवेयर ले लो जो आप फ्री वर्जन बता रहे हो कि ऐसा क्रैक कर लो। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कि आप फोटोशॉप पेड है, अब अगर आप उसको बता रहे हो ऐसा क्रैक कर लो, वैसे क्रैक कर लो, तो वो आपका कम्युनिटी के अगेंस्ट है 100%। आपको वहाँ पे आपको पहले वार्निंग आएगी, फिर आप नहीं मानोगे, स्ट्राइक आएगी, 1, 2, 3 ख़त्म। तो इसलिए भैया, अब ये तो हो गया एक सॉफ्टवेयर के बारे में। ऐसे ही मे बी आप मिसलीडिंग आप कंटेंट कुछ अपलोड कर रहे हैं, कुछ डेंजरस कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, कुछ सेक्सुअल कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, ऐसा ना जाने कितने तरीके से आप जो है कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर आ सकते हैं। तो आपको रूल्स पता होना ज़रूरी है। तो अभी जो अपडेट है वो अपडेट क्या है उसको हम समझ लेते हैं डिटेल्स में, अभी करना क्या होगा। देखो, सबसे पहली बात तो भाई गुड न्यूज़ ये है कि अब आप जैसे मान लो कि अभी आपका जो ये जो आपके पास अपील का ऑप्शन, आप ऐसे समझो जैसे कि आपको कभी ना कॉपीराइट, अगर आपको मान लो कोई बंदा स्ट्राइक देता है या मान लो कोई कॉपीराइट क्लेम आता है, तो आपको पता है कि जब क्लेम वगैरह आते हैं, जब सारी चीज़ें आपका, मान लो कोई आपको स्ट्राइक आया, फॉर एग्जांपल पहला स्ट्राइक आया, तो आपको याद है एक स्कूल कॉपीराइट मैथ्स टूल का एक आपके पास में एक स्कूल का एक कोर्स टाइप का अटेंड करने को आता है, जहाँ पे आपसे 5 या 4 क्वेश्चंस पूछता है, जिसमें आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं मल्टी चॉइस वाले, आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप वो सेलेक्ट करके कंप्लीट कर लेते हो तो वो आपका डन हो जाता है, आगे का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे कुछ आपको लाइक ऐसे समझ लो कुछ वीडियोस के माध्यम से कुछ कोर्सेज आपको अटेंड करने पड़ेंगे, जो मे बी आपका कुछ वीडियो का ड्यूरेशन हो सकता है, उसको आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चंस आप जैसे ही आप सारे के सारे करेक्ट आंसर दे देंगे, आपका जो जो कम्युनिटी गाइडलाइंस की रिगार्डिंग जो आपकी अपील है उसको आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और फिर एक्सेप्ट होने के बाद 90 डेज के बाद ऑटोमेटिक आपका वो रिजॉल्व हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा जो आपका वार्निंग स्टेटस दिखाता है हमेशा, वो आपका गायब हो जाएगा। सो गाइस, ये गुड न्यूज़ है, लेकिन ऐसे ही नहीं होगा भैया, आप समझो इसका भी रूल है। देखो, इसकी भी कंडीशंस है। देखो, अब कंडीशंस क्या है, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने अपील किया है ना, मैंने बोला 90 डेज, आप ऐसे समझ लो, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ। मान लो 90 डेज का आपको टाइम पीरियड दिया, आपके पास पहले वार्निंग थी और वार्निंग के लिए आपने अपील कर दिया, तो आप अपील किया तो उसका टाइम पीरियड क्या है, 90 डेज के बाद ख़त्म होगा, है ना। अब मान लीजिए कि आपने फिर उस 90 डेज के दौरान यानी 90 दिनों के दौरान आपने कोई दोबारा गलती की, तो भाई आपका स्ट्राइक 1 आ जाएगा, आपका स्ट्राइक 1 काउंट हो जाएगा। प्लस अगर आप फिर आप 90 दिन के आपने अंदर किया दोबारा आपने कोई गलती, स्ट्राइक 2 आ जाएगा, तीसरा गलती किया, स्ट्राइक 3। अब ये तीनों काउंट होते ही आपका चैनल रिमूव कर दिया जाएगा परमानेंटली, पहली बात। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, फॉर एग्जांपल आपका वार्निंग था, आप मान लीजिए आपका वार्निंग था और वार्निंग के केस में आपने क्या किया कि अप्लाई तो कर दिया, वो आपका रिजॉल्व हो गया, बट उस दौरान अगर मान लो कोई आपका स्ट्राइक आया या वार्निंग आया, कुछ भी अगर आपके पास आया, वो एक डिफरेंट टाइप का है। डिफरेंट टाइप का मतलब आप ऐसा समझो, पहला वाला आप मान लो कि सॉफ्टवेयर की वजह से आया था, आपने कुछ क्रैक के बारे में बताया, दूसरा वाला जो 90 डेज के अंदर आया वो मान लीजिए आपका कुछ डेंजरस या मान लीजिए ड्रग्स या कोई हार्मफुल ऐसे कंटेंट के बिहाव पे आपका वो आया, तो अब उस दूसरे वाले केस में आपको अगेन 90 डेज मिलेगा, यानी टाइप ऑफ वॉलेशन
आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वॉलेशन, फॉर एग्जांपल मान लो एक सॉफ्टवेयर की वजह से आया, एक डेंजरस की वजह से आया, एक आपका मान लो न्यूडिटी की वजह से आया, अगर तीनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अगर आपकी कम्युनिटी गाइडलाइंस आई हुई हैं तो ये ध्यान के उन सब के लिए 90 डेज का टाइम पीरियड मिलेगा। लेकिन अगर सिमिलर है, मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर वाले पे एक आया, फिर आपने कोई सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, दूसरा आया, तो आप समझ लीजिए वो आपका काउंट होगा 1, 2, 3। ऐसा अगर आप रिपीटेड कंटेंट, रिपीटेड वायलेशन अगर आप करेंगे तो आपका चैनल ख़त्म हो जाएगा। अगर सीधी सी बात ये करूँ कि भाई अगर आप सेम वॉलेशन अगर विद इन 90 डेज आप करते हैं तो आपका ये 3 स्ट्राइक काउंट किए जाएंगे और उसके बाद आपका चैनल परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा। सो गाइस, कहीं ना कहीं यूट्यूब ने ये बहुत अच्छा काम किया कि आप जो है जिनको वार्निंग शो कर रही है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप 90 डेज के दौरान अगर रिपीटेड अगर वॉलेशन आप करते हैं तो आपका वो सब जो आपने कमाया है, जो अपनी एफर्ट्स, अपनी मेहनत से जो आपने एक फैमिली बनाई है ना सब्सक्राइबर की, वो सब गायब हो जाएगा। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए, इन सब चीज़ों से बच के रहिए। आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में पता होना चाहिए और इसकी फुल डिटेल्स आप जो है क्रिएटर इनसाइडर पे भी जाके आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे दूंगा जहां से आप ऑफिशियली जाके उसको सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं। गाइस, ये था एक अपडेट YouTube की तरफ से कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक के रिगार्डिंग। वार्निंग अभी हट जाएगी, ये सब के लिए गुड न्यूज़ है। आप बताएं कमेंट बॉक्स में क्या है आपकी राय, ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें। और आप पे वार्निंग है या नहीं है, मेरे पास तो है, एक वार्निंग आई है, वो गलती मैंने की थी मुझे पता है, तो वो वार्निंग भी जल्दी मेरा भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो गाइस, आप बताएं कमेंट बॉक्स में आपकी राय क्या है। बस फिलहाल इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब तक फैलाएं भैया, ताकि जो क्रिएटर्स लोग हैं उन सबको इस चीज़ों के बारे में पता रहे और गलती ना करें, जिससे वो हमेशा रेवेन्यू जनरेट करते। गाइस, फिलहाल इतना, मिलता हम लोग नेक्स्ट एक नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। गाइस, बाय एंड टेक केयर।